लेबनीज डायरेक्टर और एक्ट्रेस नदीन लेबाकी ने कभी कहा था, सिनेमा इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग पीपल ड्रीम, इट्स अबाउट चेंजिंग थिंग्स एंड मेकिंग पीपल थिंक। ऐसा ही कुछ इंडिया में शाहरुख खान की जवान के बाद देखने मिल रहा है। शाहरुख खान की जवान जहां बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, वही लगता है जवान मूवी का एंटी करप्शन मैसेज और कास्ट ना देखते हुए सिर्फ काम देखकर लोगों से वोट देने की अपील को लोगों के साथ साथ पॉलिटिशियन का भी थम्सअप मिला है। रिसेंटली बीजेपी नेशनल स्पोक पर्सन गौरव भाटिया ने कहा कि शाहरुख खान का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पास्ट गवर्नमेंट की करप्ट और पॉलिसी पैरालाइज रिडन रूल को एक्सपोज किया। आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शाहरुख खान ने जवान के माध्यम से लोगों को अपील की है कि वो वोट देते समय गवर्नमेंट की दी हुई एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को ध्यान में रख के वोट दे, ना कि धर्म या कास्ट को देख। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। इन सारी पार्टियों से पूछना, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के इलाज के लिए क्या तो ऐसे में एक अच्छी बात हो रही है कि रिलीजन को छोड़कर सारी पार्टीज बात कर रही है काम पर। शायद चेंजेस अराउंड द कॉर्नर इसे ही कहते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो आप भी वोट देते समय जवान का मैसेज याद रखें। जय जवान जय किसान। आप देख रहे थे नागपुर टुडे।